अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको पेशाब की जलन दूर करने के लिए एक इंतहाई आसान और मुजरब घरेलू नुस्खा बताऊंगा। इसको इस्तेमाल करने से सिर्फ 5 मिनट में काफ़ी हद तक पेशाब की जलन में कमी आ जाएगी और इसकी 2-3 खुराकें इस्तेमाल करने से ही पेशाब की जलन का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाता है। ये गुर्दा और मसाना को फाजल मादों से पाक करने में नुमाया किरदार अदा करता है और पेशाब की नाली और गुर्दा मसाना में इन्फेक्शन को दूर करके दर्द को फौरी कंट्रोल करता है। पेशाब की जलन का ज़्यादातर मसला तेज़ मिर्च मसालादार खानों और गर्म और तली हुई अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल करने से, पानी का बहुत कम इस्तेमाल करने से भी हो जाता है। पेशाब जलकर और पीला आता है और पेशाब करते वक्त दर्द होता है, इसलिए आज के नुस्खा इस्तेमाल करते वक्त सबसे पहले आपने तेज़ मिर्च मसालादार खानों का इस्तेमाल कुछ दिन नहीं करना और पीने में आपने पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। खीरे और मूली का साथ भी इस्तेमाल करना है, अगर खरबूजे का मौसम हो तो इसका भी आपने इस्तेमाल करना है। गाजर का रस इस्तेमाल करें, गोश्त अंडा और मछली से मुकम्मल परहेज़ करें और साथ आज का नुस्खा इस्तेमाल करें तो सिर्फ एक दिन में आपको वाजह फ़र्क महसूस होगा। चलते हैं नुस्खे की तरफ। नुस्खे के लिए हमें सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। पहली जो चीज़ है वो सफ़ेद ज़ीरा है। सफ़ेद ज़ीरा जिस्म की ज़ायद गर्मी और सफरा को जिस्म से खारिज करने में मदद देता है और ये पेशाब खुल कर लाता है। ये गुर्दा मसाना और पेशाब की नाली में सोजश और वर्म को तहलील करके सोजन और दर्द को कम करने में मददगार साबित होता है। इसके अलावा ये मैदा के अमराज में भी बहुत फ़ायदा करता है, मैदा की कमज़ोरी को दूर करके मैदा की गर्मी को कंट्रोल करता है। दूसरे नंबर पर हमें बड़ी इलायची की ज़रूरत होगी। बड़ी इलायची मैदा की कमज़ोरी को दूर करके निज़ाम हज़म को बेहतर बनाने में कारगर साबित होती है। ये मैदा की जलन और पेशाब की जलन का बेहतरीन इलाज है। बड़ी इलायची सोजन और वर्म को ख़त्म करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। तीसरे नंबर पर हमें कूजा मिश्री की ज़रूरत होगी। कूजा मिश्री सोजाक पेशाब की नाली की बंदिश और पेशाब की नाली के इन्फेक्शन को ख़त्म करने और पेशाब की जलन और दर्द को दूर करने के लिए बकसरत इस्तेमाल किया जाता है। नुस्खे की तरकीब समझ लें। सफ़ेद ज़ीरा आपने 20 ग्राम लेना है, बड़ी इलायची आपने 10 ग्राम लेनी है और कूजा मिश्री आपने 50 ग्राम लेनी है। इन तीनों को बारीक पीस कर मिक्स करके रख लें। अब इस नुस्खे में से छोटी आधी चम्मच दूध की कच्ची लस्सी के साथ सुबह और शाम इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह पेशाब की जलन और दर्द सिर्फ एक दिन में ही ख़त्म हो जाएगा। अगर दूध की कच्ची लस्सी इस्तेमाल नहीं कर सकते तो शरबत बजूरी के हमरा इस नुस्खे को इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो आज के लिए इतना ही नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।